अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं की सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में सब दोस्तों खुश आमदीद। आज मेरे पास एक क्लाइंट की लैपटॉप है HP 450-G5। आज मैं आप दोस्तों को बताऊंगा हम इसका मदरबोर्ड कैसे रिप्लेस करेंगे, इसकी बैटरी कैसे रिमूव करेंगे, इसको अपग्रेड कैसे करेंगे और इसकी सर्विस कैसे करेंगे। फ्रेंड, अगर अभी तक आप दोस्तों ने मेरी ये वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए फ्रेंड, वीडियो का आगाज करते हैं। ये मैं लैपटॉप ओपन करने लगा हूँ, इसलिए सबसे पहले मैं इस लैपटॉप का डिस्प्ले ले रहा हूँ, उसके बाद मैं लैपटॉप ओपन करूंगा। बैक साइड से मैं इसके तमाम स्क्रूज ओपन कर लूंगा। ये स्टार पेच है, इसको T8 से ओपन होता है इसका बैक स्क्रूज तमाम। और जो सा इसका ये रैम कवर है, ये 4 हेग है और इसका हार्ड कवर भी 4 हेग से ओपन होगा। यहाँ पे हम लोग इसकी बहुत इजीली रैम अपग्रेड कर सकते हैं और इस साइड पे हम इसमें SSD और हार्ड डिस्क भी ऐड कर सकते हैं। इसकी आप दोस्तों ने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है क्योंकि बैटरी जो है इसकी इनसाइड लगी होती है। सारी लैपटॉप ओपन होगी उसके बाद इसकी बैटरी रिमूव होगी, इसलिए आप दोस्तों ने मिस्टेक नहीं करनी, आपका स्क्रू ड्राइवर स्लिप नहीं होना चाहिए। ये हमारा वाईफाई कार्ड और इसके मैं तमाम स्क्रूज ओपन कर लूंगा ताकि हमारा लैपटॉप ओपन हो जाए इजीली। तमाम स्क्रूज ओपन करने के बाद मैंने इसकी लिड ओपन करनी है और एहतियात के साथ मैंने इसका कीबोर्ड रिमूव करना है ओपनर के साथ। एक स्क्रू रह गया है, ये भी तमाम खोल लेने हैं। ये हमारा कीबोर्ड का जैक है, ये हमारा बैकलाइट का जैक है। ये हमारा फिंगरप्रिंट चेक हो गया, तमाम इधर से हमने जैक रिमूव कर लेने हैं और ओपनर के साथ आसानी के साथ ये हम रिमूव कर लेंगे। इसका सी पैनल पुल्ड होगा। ये हमारा स्पीकर का जैक और ये देखिए फ्रेंड्स, ये रिमूव हो गया है। ये वाली स्ट्रिप और किट उतरेगी, उसके बाद हमारी बैटरी के स्क्रूज ओपन होके हमारी बैटरी रिमूव होगी। अब मैं इसकी बैटरी रिमूव कर रहा हूं। ये देखिए फ्रेंड, बहुत इजीली हमारी बैटरी रिमूव हो गई। अब हम एहतियात के साथ इसके बोर्ड के तमाम स्क्रूज रिमूव करेंगे और इसका मदरबोर्ड रिप्लेस करना भी बहुत ही आसान है। आप खुद भी रिप्लेस कर सकते हैं इसका मदरबोर्ड। ये किट भी रिमूव होगी, उसके बगैर हमारा मदरबोर्ड जो है बाहर नहीं आएगा क्योंकि इसके नीचे हीट सिंक है। ये हमारा फैन रिमूव हो गया, ये हमारा DC जैक। ये देखिए कितनी आसानी से हमारा मदरबोर्ड रिमूव हो गया है डी पैनल से। अब हीट सिंक के मैं तमाम स्क्रूज ओपन करूंगा और GPU के। इसकी ओल्ड पेस्ट रिमूव करके, अच्छी तरह एडजस्टिंग करके, क्लीनिंग करके मैं इस पर न्यू पेस्ट लगाऊंगा अच्छे वाली। क्लाइंट पिछले 3 से 4 साल से ये मशीन यूज कर रहा था और उसने कभी भी सर्विस नहीं करवाई। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मशीन की बेशक 1 साल बाद, 6 माह बाद, 8 माह बाद सर्विस लाजमी करवा लें अगर आपका यूज ज्यादा है। उससे आपके मशीन की लाइफ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाती है सर्विस करवाने के बाद।
फ्लोर से मैं अच्छी तरह इसकी क्लीनिंग कर ली है, फैन में भी बहुत ज़्यादा डस्ट जमी हुई है। वीडियो में आप दोस्तों को नज़र आ रही होगी कितनी ज़्यादा डस्ट है। इसको बुरश के साथ मैंने अच्छी तरह सफाई कर ली है, डस्टिंग कर ली है, इसके डी पैनल की भी। अब मैं इस पर पेस्ट लगा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगानी और बहुत कम भी नहीं लगानी, मुनासिब सी आप दोस्तों ने पेस्ट लगानी है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा पेस्ट लगाते हैं जो कि मेल्ट होकर प्रोसेसर के अंदर चली जाती है, इस तरह नहीं लगानी आप दोस्तों ने। क्लीनिंग करके आप दोस्तों ने इसके डी पैनल में एहतियात के साथ बोर्ड एडजस्ट करना है और तमाम स्क्रूज लगा देने हैं। इसका मदरबोर्ड भी आप दोस्तों ने देखा बहुत ही इजीली आसान हो जाएगा, आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, बस एहतियात ज़रूरी है। उसके बाद मैं ये फ़ैन के स्क्रूज लगा रहा हूँ और इसके मदरबोर्ड के मैं स्क्रूज टाइट कर रहा हूँ। ये हमारी टाइप सी की जो स्टील बार है ताकि उसको सपोर्ट मिली रहे, डैमेज ना हो मदरबोर्ड से इसकी टाइप सी पोर्ट। एक एक करके आप दोस्तों ने इसके स्क्रूज लगा देने हैं। उसके बाद इसकी यूएसबी किट, इस मॉडल में आपको बैटरी लगानी पड़ती है, उसके बाद इसका सी पैनल एडजस्ट करना पड़ता है, उसके बाद आप दोस्तों ने बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। और किट के भी स्क्रूज लगा देने हैं। उसके बाद ये वाला जैक लगाना है किट का, कार्ड रीडर और साउंड पिन है इस पे। इसकी भी एडजस्टिंग करने के बाद आप दोस्तों ने एहतियात के साथ इसका सी पैनल लगा देना है। मुझे इसका सी पैनल उतार के एक स्क्रू रिमूव करना पड़ा क्योंकि वो सी पैनल के ऊपर से लगना था और मैंने इसको नीचे से लगा दिया था, इसलिए मैंने दोबारा उसको ओपन किया और ऊपर वाली साइड से लगाऊंगा। ये हमारा फिंगरप्रिंट का जैक हो गया, ये माउस की स्ट्रिप हो गई और ये इसका ऑन ऑफ जैक हो गया, यह हमारा स्पीकर का जैक। लैपटॉप ऑन करके मैंने देख लिया है, अब मैं दोबारा से इसको ऑफ कर दिया है और उसके बाद मैं इसका जैक वगैरह लगाऊंगा। यह हमारा बैकलाइट का जैक हो गया कीबोर्ड की, यह हमारा कीबोर्ड का जैक है। ये हमारा कीबोर्ड का स्क्रूज लग टाइट हो रहे हैं।
बैक साइड से भी मैं इसकी हेडी के तमाम स्क्रूज लगा रहा हूँ। ये हमारा वाईफाई कार्ड। आप दोस्तों को सिग्नल की प्रॉब्लम आती है इसलिए आपने वन जैक पर वन की केबल लगानी है और टू पर टू की लगाएंगे तो उससे आपके सिग्नल ठीक आएंगे, वरना आपके सिग्नल लो हो जाएंगे। ये मैंने M2 लगाई है इसमें। और अगर आपको ये प्रॉब्लम आए कि इसके सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं तो आपने वन को टू पे कर देना है और टू को वन पे कर देना है, तो आपकी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ये हमारा हार्ड डिस्क लग गई है, उसके बाद मैं उसके स्क्रूज लगा रहा हूँ। तमाम स्क्रूज लगने के बाद इसका मैं कवर लगा दूंगा। ये हमारी हार्ड डिस्क कवर है। ये हमारा रैम कवर आ गया। ये देखिए अब मैं इसका डिस्प्ले चेक कर रहा हूँ। उम्मीद है फ्रेंड ये छोटी सी वीडियो आप दोस्तों को बहुत पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह आप दोस्तों से किसी और न्यू अच्छी वीडियो और अच्छी टॉपिक पर मिलता हूँ।